नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त ज्यादा अखिल चौधरी। तो दोस्तों, आज कुछ फूड टेक्नोलॉजी के ऐसे अपडेट हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, अपडेट्स को शुरू करते हैं। अपडेट शुरू करने से पहले आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जो इस चैनल पर नए आया है तो नीचे लाल कलर का बटन दिया रखा होगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो अपडेट से एक कदम और पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जो भी आज अपडेट आए हैं वो ज्यादातर आए हैं आपके स्टार्टअप्स के रिलेटेड, मतलब कि कुछ अपडेट्स आए हैं जो स्टार्टअप फूड इंडस्ट्री के स्टार्टअप को लेकर हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूँ, एक आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपका एक सजेशन जानना चाहता हूँ कि तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता था कि अगर आप मुझे कहते हैं कि कैसे हम फूड इंडस्ट्री के सक्सेस स्टोरीज को बना सकें, कैसे मैं आपको बताऊँ कैसे फूड इंडस्ट्री में लोग सक्सेस कर जाते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहता है अपनी फूड इंडस्ट्री, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि कहते हैं कि हम फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं और नीचे कमेंट भी आते हैं कि आप कुछ ऐसा लेकर आए। तो मैं आपसे एक फाइनल जानना चाहता हूँ, आपकी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर वीडियो बताऊँ, एक वीडियो बनाऊँ कैसे हम फूड इंडस्ट्री स्टार्टअप्स कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अच्छी तरह से कि कैसे आप पर्टिकुलर कदम उठाएं, कैसे उन्होंने जैसे कि इन्फ्लुएंस हो सके, आपको सक्सेस स्टोरी बताऊंगा डेयरी के रिलेटेड, बेकरी के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड और हो सके नए नए जो प्रोडक्ट लॉन्च आते हैं शेक्स के रिलेटेड, मैं सारी आपको स्टोरीज बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस ये स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है। आशा करूंगा कि आप इससे थोड़े बहुत इंस्पायर हो सकें, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो गाइस, चलते हैं हम अपनी न्यूज सेक्शन पे आज। तो गाइस, पहला अपडेट आता हमारा भूलर को लेके। गाइस, भूलर को गाइस ये एक तरह का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल के रिलेटेड अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन सेंटर इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से होगा क्या गाइस, हमारे जो फूड चेन सप्लाई है थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारी जो फूड सेक्टर है उसे थोड़ा बड़ा मिलेगा। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा है कि अपना यहाँ पे कैसे वो अपनी फूड हमारी इंडिया की फूड इंडस्ट्री को इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं और उसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने प्रॉफिट में। तो दोस्तों, अगला अपडेट आता हमारा मैटलर टोरिडो को लेके। गाइस, ये एक तरह की कंपनी है जो कि इक्विपमेंट सप्लाई करती है फूड इंडस्ट्री में। तो दो गाइस, आपने ज्यादातर आपने देखा होगा जो क्वालिटी एश्योरेंस लैब होती है फूड इंडस्ट्री में, जहां पर आपने देखा होगा जो भी हमारा फूड मटेरियल आता है वहां पे उसे टेस्ट किया जाता है, वो सारे इक्विपमेंट इनके द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब ये इनकी सप्लाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ है, काफी की इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। तो गाइस, इन्होंने एक अपना नया इक्विपमेंट निकाला है जिसका उन्होंने नाम रखा है कुछ SPR एनालाइजर बैलेंस रखा हुआ है, जिससे आपको अच्छी तरह से आपको पता लगने वाला है कैसे बैलेंसिंग हम और सुधार कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में। क्योंकि माइक्रो, हम अगर आप कोई भी प्लांट में विजिट करा होगा अपने फूड इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा कि बिल्कुल माइनर, मतलब कि 2 से 3 ग्राम तक हम सैंपल लेते हैं, उसमें से ही सारी हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इस अगला अपडेट आता है हमारा है एक क्या कह सकते हैं ऐसी अकेडमी को रिलेटेड। तो गाइज, वो एक अकेडमी है जिनका नाम है APCA। तो गाइज, ये APCA एक पेस्ट्री रिलेटेड एसोसिएशन है, मतलब कि बेकरी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो गाइज, ये ऑनलाइन क्लासेस देगी लोगों को जो कि COVID-19 में ज्यादातर लोग आपने देखा होगा बेकरी प्रोडक्ट बना रही है अपने घर पर ही। तो इन्होंने कहा क्या करा है कि ये ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज आपको इनके इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस में आपको दिख जाएंगे। इनकी ऑनलाइन फीस भी कुछ 25,000 है और 25 लोगों का बैच होने वाला है, जिसमें वो अच्छी तरह से आपको बताएंगे कैसे आप बेक प्रोडक्ट बना सकते हैं घर पे इजीली। तो गाइस, अगला अपडेट आता है एक रिसर्च को लेकर। गाइस, रिसर्च में हमें पता लगा है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट हमें निकाल लिया है जिसकी स्वीटनेस शुगर के ऊपर या शुगर से बहुत ही ज्यादा होगी और उसकी कैलोरीज होगी जीरो, मतलब कि शुगर भी खाएंगे और उसकी कैलोरी होगी जीरो। मतलब कि जो लोग मोटापे के शिकार है ज्यादातर वो मीठे प्रोडक्ट खाते हैं या फिर कुछ बाहर के प्रोडक्ट खाते हैं। नॉर्मली जो गाइस आपने देखा होगा मोटापे के शिकार होते हैं वो मीठा प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा खाते हैं, उन्हें पसंद भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन्हें एक अच्छी खबर है कि वो ये चीज खा के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो गाइस, आपने स्टीविया लीव्स के बारे में सुना होगा। तो गाइस, स्टीविया लीव्स आपको यहाँ पे मैं तस्वीर दिखा दूंगा। स्टीविया लीव्स गाइस एक तरह के प्लांट है जो कि शुगर से नॉर्मली
500 to 6 टाइम बेटर स्वीटनर है, मतलब कि उससे ज्यादा, मतलब कि 500 से 600 गुना ज्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू जो हम कैन शुगर के खाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे फूड साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मॉलिक्यूल निकाला है जिसका नाम है मेट एम, 2 मिनट में कंफर्म करके बताता हूँ आपको। रेबम एक मॉलिक्यूल है, तो गाइस रेबम मॉलिक्यूल है जो कि से फर्दर फूड साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, इसे इंक्यूबेशन कर रहे हैं लैक्टिक एसिड से और इसकी इंक्यूबेशन करके इसे और प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम एक प्रॉपर मटेरियल निकाल सके स्टीविया लीव्स के थ्रू, जो कि आखिरी जो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा जो कि होगा कम से कम 500 to मतलब 500 to 300 to 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन नॉर्मल शुगर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा वो स्वीटनेस होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ये रिसर्च है। पहला स्टार्टअप है हमारा जस्ट चपाती, तो वह जस्ट चपाती एक बेंगलोर में एक हमारा स्टार्टअप है जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री बेंगलुरु में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अपने ये जो फूड मटेरियल है आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू कॉल के थ्रू उन्हें फोन करके बुला सकते हैं और वो आपके घर पे गरम गरम रोटियां आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और उनका प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है, कुछ ऐसे नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। और साथ ही साथ और आपको ये बता देने वाले हैं कि ये आप डाइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी रोटियां, आप मील ऑर्डर कर सकते हैं, आप कैटरिंग के लिए आप कह सकते हैं। बस गाइस अगला अपडेट था कि अगला एक और अपडेट है गाइस, वो है हमारा स्टार्टअप को रिलेटेड है। स्टार्टअप है वो हमारा मिल्क इंडिया कंपनी की तरफ से। गाइस मिल्क इंडिया कंपनी एक हमारे वुमेन के द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो पहला इंडिया का दूध निकालेंगे जो कि बिल्कुल भी अडल्ट्रेटेड नहीं होगा, प्योर होगा, उसमें बिल्कुल भी आपको अडल्ट्रेशन नहीं दिखने वाली। कोशिश करेंगे वो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर बनाने वाले हैं अपने दूध को एज कम्पेयर टू अदर जो मिल्क मैन्युफैक्चर है उनसे भी ज़्यादा, वो अधिक सफल और अधिक बेहतर दूध आपको सप्लाई करने वाले हैं कंज्यूमर से। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है गाइस, ये भी एक स्टार्टअप है, अभी शुरुआत ही हुई है इसकी। तो मैं तो भी आपको गाइस कह रहा था अगर आपको इन दोनों के अगर आप सक्सेस स्टोरीज जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना भाई, एक एक आपसे ओपिनियन ही मांग रहा हूँ। तो भाई आगे तो बस दोस्तों यही थे आज के अपडेट। अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना यार और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे ना वो गाइस मिलते रहेंगे बहुत ही इजीली। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मेरी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो मेरा व्यू नहीं बनेगा, व्यू नहीं बनेगा तो कोई लाइक नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको कोई नॉलेज ऐसी प्रोवाइड करने में। तो बस गाइस यही थी आज का अपडेट और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पीस।